राजस्थान का गांव हो या हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश का ये गांव काशी, हर गांव में चायखाने जरूर होते हैं। चायखाना असेंबली या विधानसभा से कम नहीं होता। इन्हें देखिए, ये मुल्ला जी हैं, यहाँ की बड़ी मस्जिद के इमाम। इन्हें भी चायखाने में आए बगैर चैन नहीं। ये लोग कितने इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं, जैसे कोई फिक्र कोई तरद्दुद नहीं। इसे देखकर आप चौंक गए होंगे। हाथ में चांदी कूटने वाले दस्ते की जगह किताब, ये साइमा है। दरअसल इस गांव के जमींदार साहब की छोटी बहू नसरीन ने पढ़ाना शुरू किया है। यही नसरीन है, अपने शौहर वसीम के साथ कुछ दिनों के लिए गांव आई है। इसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, रोजे नमाज की पाबंद है और साइमा इससे बहुत घुली मिली हुई है। मुल्ला जी को नसरीन एक आंख नहीं भाती, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। और एक दिन वो मुल्ला जी से बहस कर बैठी थी। ये सरासर इस्लाम के खिलाफ है, वो मुसलमान है या? अरे उस पे तो फतवा लाना चाहिए। मुल्ला जी आप कल ही मेरठ जाइए और मुफ्ती साहब को सारे हालात से आगाह कीजिए। वसीम की अकल तो तब ठिकाने आएगी जब उसकी बीबी के खिलाफ भारी कार्रवाई होगी। मेरे बेटे ने उसके बाग से दो चार आम क्या ले लिए, उसने तो सारा आसमान सर पे उठा लिया, पुलिस बुलवा ली, वो तो सारा मामला रफा दफा हो गया। जरा सोचिए, जमींदार का बेटा है तो रौब झाड़ेगा, जबकि जमींदारी नहीं रही। किसी के बाग से इस तरह मियां आम तोड़ना चोरी है। तुम चुप रहो, यहाँ दीन और ईमान की बात चल रही है। कभी एक वक्त की नमाज भी पढ़ते हो? हाँ। मुल्ला जी आप कुछ एक्शन लीजिए, आप कल ही मेरठ जाइए। मैं बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, खास चुप बैठा हूँ। मैं भी हाफिज से कुरान हूँ। उस लड़की ने क्या गलत कहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि आयतों को पढ़ने और रटने से कोई फायदा नहीं जब तक उन्हें समझा सोचा ना जाए। पर समझने और सोचने के लिए इल्म चाहिए, इल्म। पर फिर उस लड़की ने गलत ही क्या कहा है? उसने इल्म की ही बात की है, पर मैं देता हूँ उस लड़की का साथ। ले आइए आप लोग मेरे खिलाफ फतवा। पर मुल्ला जी आपको ये सब जेब नहीं देता। मौलवी बदरुद्दीन आप तो जमींदार साहब के पिट्ठू रहे हैं। खबरदार जो मुझ पे तोहमत लगाई तो। अल्लाह जो कुरान में इल्म की बात करता है वो सब क्या है? उस लड़की ने हाफिजों की तौहीन की है। आप लोग मामले को गलत रुख दे रहे हो, उसने सिर्फ कुरान को समझने की बातें की हैं। आप उस लड़की के बहाने वसीम से बदला लेना चाहते हो जिसने आपके लड़के को आम चोरी करते हुए पकड़ा था? तुम जैसों से मैं बात नहीं करता। मैं खुद आप लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, गलती से मैं यहाँ आ गया। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम सब के खिलाफ फतवा लेकर आऊंगा। तुम लोगों ने तो फतवे को मजाक बना दिया, आलिमों और मुफ्तियों को रुसवा किया। मुल्ला जी नमाज के अरकान और आदाब के साथ नमाज के पढ़ाने वाले के किरदार और सीरत पर भी जोर दिया गया है, इसीलिए एक एक बात को सोच समझ कर बोलिएगा। एक एक बात की पकड़ होती है। मियां जाओ जाओ, ज्यादा दरस मत दो, मुझे सब पता है। चलो मियां चलो। कल के मौलवी मौलाना हमें समझाने लगे, हमारे खिलाफ फतवा लाएंगे, लेकर तो आए। क्या बात है, क्यों पेचोताप खा रहे हो, किसी से लड़कर आ रहे हो क्या? अरे वही बदरुद्दीन कह रहा था हमारे खिलाफ फतवा लाएगा। फतवा? हाय अल्लाह, ऐसी क्या फतवा गई? भाई हम लोग वसीम की बीवी के बारे में बातचीत कर रहे थे और बदरुद्दीन बीच में ही टपक पड़ा। उस लड़की के बारे में क्या बात कर रहे थे? भाई नसरीन ने मुझसे यह कह दिया कि आयतें रटने से कुछ हासिल नहीं होता जब तक मतलब समझ में ना आ जाए। बस इस पर कुछ लोगों की राय ये थी कि उसके खिलाफ फतवा मंगवाना चाहिए। किन लोगों की राय थी? उन चुगलखोरों और मक्कारों की
जो तुम्हें हर वक्त घेरे बैठे रहते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मुल्ला जी, उन लोगों की सोबत में तुम अपनी आकबत खो बैठे हो। अपनी आकबत के बारे में सोचो। ओहो, क्या बोल रही हो? अरे तुमसे ज्यादा जानकार है वो लड़की। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, उस लड़की से भी मिल चुकी हूँ। तुम तो इसलिए उससे जल भुन रहे हो कि उसने तुम्हें लाजवाब कर दिया है, इसलिए जगह जगह उसकी बुराई करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हो। तो क्या उसका ये कहना मुनासिब है कि आयते रटने से कुछ हासिल नहीं होता? बिल्कुल दुरुस्त कहा उसने। तुम हाफिज हो, आयते के मानी मतलब समझते तो उस लड़की की कदर करते। वो नमाज पढ़ती है, तिलावत करती है, आयते के माने और तफसीर पढ़ती है, और तुम क्या करते हो? मस्जिद से बाहर निकले और चाय खाने में बैठ गए। फिर वही गाँव की गंदी सियासत, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। वक्त गुजार कर फिर मस्जिद में पहुँच गए। अरे कभी अपने गरेबान में भी तो झांक कर देखो। ओहो, तुम तो पागल हो चुकी हो पागल। तुमसे बहस करना फिजूल है। अरे एक बात सुनते जाओ, अब कहीं बैठकर अगर उस लड़की की बुराई की ना, उसी जमघट में पहुँच कर एक एक की खबर लूंगी। वसीम तो बाद में आएगा अपनी बीवी की हिमायत करने, पहले मुझसे भिड़ लो। पागल औरत, खड़ दिमाग कम अब कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ ना समझा लो, औरत साथ है ना, समझ ही नहीं पाती। अल्लाह बख्शे बी गुलाबो चुहिया भी खूब थी। गांव के बाहर आपके सबसे पुराने पेड़ की जड़ में दुकान लगाए बैठी रहती थी और तरह तरह की मजेदार मिठाई। दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। बैठो बत्तू। दुल्हन, तुमने इन बच्चों को इतनी सारी चीजें कैसे समझा दी? अरे बाजी, बहुत आसानी से। ये सब लड़कियां बहुत समझदार हैं। मैंने इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एक साथ सिखाई। ABC, का खागा और अलिफ बेते से सिखाने में टीचरें बहुत वक्त लगा देती हैं। मैंने एक ही आवाज़ के सारे हुरूफ अलग अलग खानों में बांट दिए, जैसे इंग्लिश का बी, हिंदी का बा और उर्दू का बे। और फिर मैंने इन्हें अलग अलग रंगों की पेंसिलें दी, जैसे अंग्रेजी के लिए लाल और हिंदी के लिए हरी और उर्दू के लिए नीली। और उसके बाद अलग अलग जबानों के हुरूफ अलग अलग रंगों की पेंसिलों से इनसे लिखने के लिए कहा। बस इससे एक तो इनकी दिलचस्पी बनी रही और इन्होंने 3 दिन में तीनों जबानों के सारे हुरूफ सीख लिए। बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा तरीका निकाला। ये तरीका मैंने नहीं निकाला, मैंने पढ़ा था कि चीन में बच्चों को रंग बिरंगे बल्ब खेलने को दिए जाते हैं और इस तरह उनके जहनों में रंगों को बिठाया जाता है। रंगों की वजह से वो पढ़ाई से उबते नहीं और इस तरह उन्हें पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि गांव में ऐसा चमत्कार होगा। जानती हो, अब मस्जिदों में बच्चे जाते हैं तो आयतों के मायने और मतलब भी पूछते हैं। मुल्लानी जी घर घर जाकर तुम्हारे बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि जमींदार की छोटी बहू इस गाँव में इंकलाब लेकर आई है। मैं इंकलाब नहीं लाई, आप लोगों ने अपनी सोच बदली है। देखिए, खेती जरूरी है, घर गृहस्थी जरूरी है, आप लोग जो काम कर रही हैं वो भी बेहद जरूरी है, लेकिन बाकी वक्त के सही इस्तेमाल का सिर्फ एक तरीका है, किताबों से दोस्ती। अगर आप सिर्फ पन्ने पलटेंगी तो हुरूफ बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, अंधे भी पढ़ते हैं, उसका एक तरीका होता है। गूंगे भी अपनी बात समझा देते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। अल्लाह के फजल से आपके पास आंखें भी हैं और बोलने की सलाहियत भी। आप बस किताबों से दोस्ती कर लीजिए। किताबों से दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कुछ किताबें मंगाई हैं, आप ले जाइएगा। तुमने हमारी आंखें खोल दी बहू। मियां बदरुद्दीन, उस दिन बिला वजह ही हम तुमसे उलझ गए, फिर बाद में एहसास हुआ कि जमींदार साहब की बहू ठीक ही कह रही थी, पुराने पाक को सोच समझकर पढ़ना जरूरी है। खैर छोड़िए इन बातों को, मैंने तो बुरा ही नहीं माना। अच्छा एक बात बताइए, कुछ तब्दीली महसूस हुई कि नहीं? हाँ हाँ भाई, मस्जिद में लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ गई है। वो अपने साथ उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें लेकर आते हैं और पढ़ाने को कहते हैं। देखिए साहब,
किसी भी जुबान को सीखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐब नहीं है। अब देखिए, मुझे भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी हिंदी आती है, आप चाहें तो बच्चों को मेरे पास भेज दिया करें। अब साइमा को देखिए कितना बदल गई है, मैं तो उसे सूरह फातिहा ही रटाता रहा। उस दिन मुझसे कहने लगी, आंख वाले भी अगर ना देखें तो क्या वो भी अंधे कहलाएंगे? ये सुनकर मैं तो दंगी रह गया, मुझे फौरन कुरान की सूरह फातिर की याद आ गई। सूरह 35 की 19वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि आंख वाला और अंधा बराबर नहीं है। आपने तफसीर बता दी होती। हाँ हाँ मियाँ, मेरे बताने से पहले ही कहने लगी कि जो लोग जहालत और बुरी सोच के अंधेरों में भटकते हैं वो अंधे हैं। मैंने पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई? तो पता है क्या बोली? नसरीन भाभी ने। वो बताती हैं कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो अंधों की तरह अंधेरे में ही भटकते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो अंधेरों में भी देख सकते हैं, वो रोशन ख्याल होते हैं और हमेशा दूसरों को रोशनी देते हैं। भाई बदरुद्दीन, मैं तो जमींदार साहब की बहू का कायल हो गया। ये जमींदार की बहू ना, वही अलादीन का चराग हो गया। मियाँ, तुम उससे मिलोगे ना तो तुम्हारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। जमींदार साहब के यहाँ जा ही रहे हैं, भाई वसीम से भी नहीं मिले, उससे भी मिल लेंगे। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए, वसीम कोई हवा है, होगा जमींदार का बेटा। लेकिन मौलवी साहब, एक बात कहें, आप साइमा की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ। शहजाद को तो जानते ही हो, उसने अपनी बेटी शगुफ्ता का रिश्ता तय कर रखा था, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया। लेकिन क्यों, और इसमें साइमा का क्या कसूर है? वो कम फितनी नहीं है, उसी ने शगुफ्ता को बहकाया है कि पढ़ेगी नहीं तो जाहिल रहेगी, जिंदगी बेकार है। शहजाद बता रहा था, शगुफ्ता से कहती है कि जाहिल रहेगी तो जिंदगी भर चांदी की बरक कूटेगी, और शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे तो उनके हाथ में भी दस्ता थमा देगी, वो भी कूटते फिरेंगे। अब शगुफ्ता कहती है कि पहले वो पढ़ाई लिखाई करेगी तब शादी करेगी, जबकि उसका रिश्ता तय है। और मियाँ, उधर लड़का लड़के के पास 1.5 बीघा जमीन है, खेत जोत के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता है। खैर, ये बात तो अच्छी नहीं हुई, शगुफ्ता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मियाँ, तुम शगुफ्ता को दोष दे रहे हो, ये सारी कारिस्तानी उस साइमा की बच्ची की है। हम साइमा को समझाएंगे, वैसे कहती तो वो ठीक ही है, इस गांव में जहालत की वजह से ही कंगाली है, हम जाहिल, हमारी औलाद जाहिल। अब तो आप भी मुल्ला जी हिंदी और अंग्रेजी वाले होते जा रहे हैं। मियाँ, जमींदार साहब की बहू हिंदी अंग्रेजी खूब अच्छी तरह जानती है, और बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, दीनी लियाकत में भी वो हमसे कम नहीं बल्कि 20 है। चलिए। फहद, ये कैसा बना रहे हो, थोड़ा बड़ा बड़ा साफ साफ करके, इस तरह से नहीं, अच्छे से इसमें कलर भरो भाई। वालेकुम सलाम बेटा। नसरीन बेटे, ये आप क्या सिखा रही हैं? ये कैलीग्राफी है, ये बच्चे किताबत के अंदाज में लिख रहे हैं। ये जो खाली जगह है ना, इसमें ये रंग भरेंगे और फिर चांदी के छोटे छोटे वरख काट कर यहाँ चिपका देंगे, तो फिर ये दिखने में बहुत ही खुशनुमा नजर आएगा। अच्छा, वाकई ये तो बड़े काम की चीज है। God is great. नसरीन बेटा, बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तफरी भी कर रहे हैं। जरा इसे भी तो देखिए, इसके बारे में क्या ख्याल है? मोहतरमा, इन बच्चियों को ये सब पढ़ा लिखा कर आप इनके हक में अच्छा कर रही हैं? ओह ईश्वर, तो इसमें गलत क्या है?
अच्छा, अब आप इन्हें पूजा पाठ करना सिखाएंगी और कहेंगी कि इसमें गलत क्या है? बरकत अली, आराम से बात करो, तुम तो झगड़ने लगे। भाई मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती, अल्लाह तो एक है, अब क्या हिंदू क्या मुसलमान, अब उसे ओम कहो या ईश्वर, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब अल्लाह के नाम के लिए अरबी लफ्ज मौजूद है तो फिर ये गैर अरबी लफ्ज क्यों इस्तेमाल करें? हम अलहम्दो शरीफ के बाद और हर दुआ के बाद आमीन कहते हैं। आमीन तो अरबी लफ्ज नहीं, ये तो इब्रानी लफ्ज है जो यहूदियों की जबान है। हमने सुन रखा है कि आप तशरीह बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन अगर यही तालीम है तो आप इन मुसलमान बच्चियों को गुमराह कर रही हैं। मियां तुम तो खामखा नाराज हो गए। ये तालीम आपको ही मुबारक है। लाहौल वला हूँ, जा रहा हूं मैं। चलो मियां बदरुद्दीन, हम भी चलते हैं। अच्छा बैठो। क्या सोचा है तूने? इसी तरह कुंवारी बैठी रहेगी क्या? मैंने कह दिया है अभी शादी नहीं करूंगी। क्यों? ये पढ़ने लिखने की क्या सनक सवार हो गई तुझ पर? तुम साइमा को देखो कैसे पढ़ लिख रही है। इस टोली की सभी लड़कियां जमींदार साहब की बहू से पढ़ लिख रही हैं, और एक मैं हूँ जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानती। देख शगुफ्ता, तू अपने बारे में सोच। अच्छा लड़का है, नेक है, किसी बुरे फेल में नहीं है। अरे मेहनत से कमाता है और इज्जत से रहता है। अम्मा, अब 2-4 साल शादी नहीं करूंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? 2-4 साल पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी? हाँ, 2-4 साल बाद फिर क्या होगा? अरे 2-4 साल बाद तो कोई लड़का भी नहीं मिलेगा तुझे। मेरी अबू से बात हो गई है, तुम खामखा मुझसे लड़ रही हो। अबू को बड़ी फिक्र है घर की, कहीं बैठा गप्पे लड़ा रहा होगा, आएगा खा पी कर चादर तान कर सो रहेगा। अरे फिक्र तो मुझे करनी पड़ती है, और फिर तेरे बाद एक और भी तो बैठी है। देख बेटी, हम गरीब लोग हैं और ये पढ़ाई लिखाई तो अमीरों के शौक है। बेटियों के हाथ पीले करने तक के पैसे नहीं है हमारे पास, इसका किसे एहसास है? और साइमा तो अभी बच्ची है, उसे क्या मालूम कि बेटी का रिश्ता टूटने पर माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। हमारा तैयार हो जाएगा सब सामान ये फ्रेम में लगाने के बाद। देखिए बच्चियां कितनी समझदारी से काम कर रही हैं, है ना? हाँ बहू, एक तो तुम हमारे लिए इतना वक्त देती हो, इतने सारे फ्रेम भी मंगवा लिए, हम तुम्हारा एहसान किस तरह चुकाएंगे? हम तो सिर्फ तुम्हें दुआएं दे सकते हैं बहू, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। दुल्हन, एक फ्रेम कितने का बिक जाएगा? खाला, ये तो बेचने वाले पर है। ये फ्रेम वैसे तो कुछ खास नहीं है, लोग इस फनकारी की कीमत देंगे। एक फ्रेम के 100 रुपए तो मिल जाएंगे ना? इस तरह तो 10 फ्रेम के 1000 रुपए हो गए बहू। ये मैं नहीं कह सकती बाजी। ये सब अपने मर्दों को भेजेंगे, अरे वो करते ही क्या है, साइकिल लेकर मेरठ चले जाएंगे। मेरठ में भी तो बहुत सारे गाँव है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे काम साथ साथ चलते रहें, खेतों में काम भी चलता रहे, पढ़ाई लिखाई भी जारी रहे, वरख भी कूटे जाते रहें और ये काम भी जारी रहे। हाँ, अब मर्दों को भी लगना होगा, बहुत कर चुके चाय खानों पे अड्डेबाजी। वक्त से उठो, खेतों में लगो, नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ो, काम में हमारा हाथ बटाओ, तभी तो हमारी बच्चियों को पढ़ने का वक्त मिलेगा। 10 फ्रेम कितने दिन में बिक जाएंगे? हे, तुम तो अजीब बात करती हो बत्तो,
ये तो मर्दों के ऊपर है कि वो कितनी भाग दौड़ करते हैं। तुम तो जानती हो हमारा कोई नहीं है। उसका रास्ता भी निकल आएगा। आप सबको मिलजुल कर काम करना है। ये जरूरी नहीं कि सारे मर्द एक ही काम पर निकल जाएं। जिम्मेदारियां बांटी भी तो जा सकती हैं। हाँ, ये समझो कि कारखाना है, पूरा गांव मजदूर है, सबकी मेहनत है। इस तरह जो भी कमाई हो आपस में बांट लो, ना कोई नौकर ना कोई मालिक। उसके लिए जगह भी तो चाहिए। खाला, जगह तो मौजूद है, ये आंगन, ये सहन, ये घर। तुम्हारे मियां तैयार होंगे? उनका भी तो फायदा है, आप सब मिलकर इस घर को आबाद रखेंगी। अल्लाह वसीम का भला करे। बाजी, वो तो ये भी कह रहे थे अगर गांव का माहौल बदला तो वो घर के एक हिस्से में स्कूल खुलवा देंगे। माहौल कैसे नहीं बदलेगा, जब औरतें बदलेंगी तो मर्दों को तो बदलना ही होगा। अगर आप माहौल बदलने की जिम्मेदारी लेती है तो इस गांव में स्कूल, कॉलेज, कारखाना सब खुल सकता है। अरे जिम्मेदारी क्यों ना लेंगे, इसमें इन सबका ही तो भला है। तो फिर इरादा कर लीजिए कि वक्त से फायदा उठाएंगी, इसमें फिर कामयाबी ही कामयाबी है। क्यों है रमजानी भाई, तुम्हारे यहाँ भी सन्नाटा है और पूरे गांव में भी? हमारा सन्नाटा छोड़ो मौलवी साहब, अपनी सोचो के गप्पे किससे लड़ाओगे। क्या दफा 144 लग गई है? यही समझ लो, अब तुम भी जमींदार साहब की बहू के पास जाके कोई काम मांग लो। कमबख्त तो हमसे मजाक कर रहा है। मजाक नहीं, कसम खुदा की, बहू बेगम ने गांव के तमाम मर्दों को ड्यूटी पे लगा दिया है। सब फ्रेम बेचने निकल पड़े हैं, औरतें भी काम में लगी हैं, लड़कियां पढ़ने लगी हैं। अब तुम ही दो चार बस बेकार नजर आते हो। अच्छा, अब बात समझ में आई। मुल्ला जी कुछ दो चार फ्रेम की बातें तो कर रहे थे। रमजानी तेरा तो घाटा हुआ, वसीम की बीवी ने तेरी भी रोजी रोटी चौपट कर दी। कसम खुदा की मौलवी साहब, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। और बाकी बात रही रोजी रोटी की, वो तो ऊपर वाला देता है। अब तो हम भी अपनी बेटियों को बहू बेगम के पास भेजेंगे। बहुत बेच चुके चाय। चाय खाना क्या है, चंडू खाना है। देख रहे हो शहजाद, वसीम की बीबी के आने से सबका दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी बेटी भी उसी की वजह से बागी हुई है। वो साइमा की बच्ची है ना, उसकी सेक्रेटरी है, उसका दायां हाथ है, उसी ने तुम्हारी बच्ची को पट्टी पढ़ाई है। वो कुछ बुरा तो नहीं कर रही है? तुम भी तरफदारी करने लगे, बेटी की शादी की फिक्र करो। मौलवी साहब, जो लिखा है वही होगा। मैं शगुफ्ता का बाप हूं, परवरदिगार नहीं। परवरदिगार तो ऊपर वाला है। भाई हम चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। और रमजानी हिसाब कर लेना कि शाम को है, कल की दो थी और अभी की ये। कल 3 कप पी गए थे। अच्छा, शाम को हिसाब कर लेना, भागे थोड़े जा रहे हैं। कसम खुदा की। वसीम मियां, तुम्हारी बीवी ने तो कमाल ही कर दिया। ये सारे लोग उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। दो दो दिन में इन लोगों ने हजार हजार रुपए कमाए हैं। इतना तो ये 15 दिनों में भी नहीं कमाते। अच्छा, सच पूछे तो मुझे मालूम ही नहीं कि वो क्या करती है। वसीम मियां, बड़े खुशकिस्मत हो जो पढ़ी लिखी ऐसी सलीकेमंद बीवी पाई है। अब तुम्हारी बीवी ने तो पूरे गांव को सलीके से जीना सिखा दिया। मेरी मुल्लानी तो हर वक्त उनकी ही तस्बीह पढ़ती है। अब देखो मेरे आने से पहले वो वहां पहुंच चुकी हैं। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले ही आई है। वसीम मियां को तो ये भी नहीं मालूम कि गांव में क्या इंकलाब आया है। ये बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। जमींदार साहब भी हवेली से बिल्कुल लातालुक रहते थे और कहते थे कि अंदर मलका विक्टोरिया की हुक्मरानी है, हम उसमें मदाखलत नहीं करते। तो चलो भाई, हम इनकी विक्टोरिया के दीदार कर लेते। चलिए। जाइए अंदर जाइए। <जाए। laughs>
बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बहू, आज तो गांव वाले तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। अरे बहू ने तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठीक कर दिया है। तुम चुप रहो जी, किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ था, वो तो जरा सोच में खोट आ गई थी जो बहू रानी ने दूर कर दी। अरे सकीना आओ बैठो, ये नसरीन है और ये है सकीना, शगुफ्ता की माँ। मैं अपनी बेटी के बारे में आपसे बात करने आई थी। हाँ मैंने सुना है कि शगुफ्ता शादी के लिए तैयार नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी। ये बात नहीं है बहू, कल से हम उसे आपके पास भेजेंगे, उसे थोड़ा पढ़ा लिखा दीजिएगा। लेकिन आपने तो उसकी शादी तय कर दी है और अगले महीने की तारीख है। वो शादी के लिए तैयार नहीं है, तो हमने भी सोचा ज्यादा दबाव देना ठीक नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दिया जाए। ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया है। देख सकीना, जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है और हम जहाँ थे अब तक वही खड़े हैं। आप शगुफ्ता को भेज दिया करें, मैं उसे समझाऊंगी। माँ बाप सोच समझ कर ही रिश्ता तय करते हैं, ऐसे रिश्ते में पायदारी होती है। कितनी सुलझी हुई बात कही है बहू तुमने। मुल्ला जी, पढ़ने लिखने से जिंदगी के नशीब व फराज समझ में आते हैं। मैं उस लड़के से भी मिलना चाहूंगी जिससे आपने शगुफ्ता की शादी तय की है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की अपने माँ बाप का दिल तोड़े, माँ बाप के भी अरमान होते हैं। और तालीम घर और समाज से बगावत करना नहीं सिखाती, बल्कि घर और समाज को संभालती है और जोड़ती है। बहू तुमने तो गांव को ख्वाब देखना सिखाया है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दें। अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे, जितने भी ख्वाब होंगे।